Hello students, welcome to this lecture series on economics. Economics एक ऐसा subject है जिसे बहुत students को डर लगता है. Economics एक ऐसा subject है जिसे students बहुत कम समझ पाते हैं. And ये एक ऐसा subject है जिसमें maximum जो MCQs है students का वो गलत हो जाता है. But अब ऐसा नहीं होगा. And the reason for that is brainy IAS. It is coming up with a beautiful course on economy. And this course will be available for the free of cost on brainyias.com website. Har ek lecture ke saath aapko notes milenge. Lagbhag 40 to 45 lectures ka ye series rahega. Uske baad mein kabhi bhi economy ka koi bhi update aata rahega. Usi course mein hum add karte rahenge. तो एक स्पेशल पेज हम क्रिएट कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर जहां पे पूरा इकोनॉमी का लेक्चर्स रहेगा. कोई भी डेवलपमेंट इकोनॉमी का होगा दैट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ ब्रेनी आईएएस. इस कोर्स को प्लीज जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बिकॉज दिस इज रियली गोइंग टू बी अ स्टूपेंडस कोर्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड इन टर्म्स ऑफ ये आपको कितना एनरिच कर जाएगा. नाउ ये जो लेक्चर है पहला लेक्चर है इसमें से हम सिर्फ ये डिस्कस करने वाला हूं कि हम क्या क्या करेंगे पूरा इस लेक्चर सीरीज में. सी व्हेन इट कम्स टू इंडियन इकोनॉमी इट जनरली डील्स विद द मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट. इकोनॉमी में दो तरह का इकोनॉमी रहता है. वन इज माइक्रो इकोनॉमी एंड द अदर इकोनॉमी दैट वी हैव इट इज मैक्रो इकोनॉमी. Now, what is the difference between micro economy and macro economy? देखिए micro economy में क्या है, एक individual का क्या behavior है, एक firm का क्या behavior है, एक industry का क्या behavior है, एक industry का growth किस तरह से होगा, एक industry का profit किस तरह से होता है, एक industry में किस तरह से employment generate होगा, एक industry का output क्या होगा, ये सब चीजें हम डील करते हैं माइक्रो इकोनॉमी में. सो माइक्रो इकोनॉमी एक मायोपिक कंसेप्ट है जिसमें एक इंडिविजुअल को लेके चला जाता है, एक इंडस्ट्री को लेके चला जाता है, एक फर्म को लेके चला जाता है. देखिए कोई भी हम अगर हम किसी भी साल का पेपर उठा के देखते हैं यूपीएससी का, यूपीएससी डजंट फोकस ऑन माइक्रो इकोनॉमी. यूपीएससी का जो फोकस रहता है वो मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर फोकस रहता है और हम हर एक चीज मैक्रो इकोनॉमी का डील करने वाले हैं. यहां पर कौन कौन से कंसेप्ट हम डील करेंगे, देयर विल बी अराउंड 45 लेक्चर्स. सबसे पहले तो हम डील करेंगे द कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी. नेक्स्ट लेक्चर जो अगला लेक्चर होगा इसमें वो रहेगा कि इकोनॉमी वर्क कैसे करता है, इकोनॉमी क्या चीज है. सो दैट अगेन विल बी वेरी जनरल लेक्चर. सेकेंडली विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इनकम. इनकम का क्या कंसेप्ट है, इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इतने तरीके से इनकम को क्यों कैलकुलेट करते हैं, बहुत बहुत अलग अलग तरीके हैं. देन इनकम का कंसेप्ट डील करेंगे हम इस लेक्चर सीरीज में. सेकेंडली वी विल बी डीलिंग विद द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है ये डील करेंगे. एंड देन वी विल बी डीलिंग विद जो छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत सारे रहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लाइक इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन क्या चीज है इसको डील करेंगे. देन वी विल बी डीलिंग विद फाइनेंशियल मार्केट. देन ये लेक्चर क्योंकि बहुत जनरल लेक्चर है आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, इसको 2x स्पीड पे देख लीजिए, आपको बहुत इजी रहेगा. एंड जो कैंडिडेट्स पहली बार इकोनॉमी के साथ में टच में आए हैं वो उसको बहुत 1x स्पीड से देखिए, नॉर्मल स्पीड में देखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा. फाइनेंशियल मार्केट हम डील करेंगे, विल बी डीलिंग विद कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट विल बी डीलिंग विद मनी मार्केट. एंड देन विल बी डीलिंग विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज पब्लिक फाइनेंस. बजट किस तरह से बनता है, कितने तरह का बजट है, बजटरी प्रोसेस क्या है, कब बजट बनना शुरू होता है. देन वी विल बी डीलिंग विद द टॉपिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट.
नॉट नेसेसरली कि हम इसी ऑर्डर में चलेंगे, बट जो हम करने वाले हैं वो मैं आपको डिटेल अभी दे रहा हूं उन चीजों का, पूरा लेक्चर सीरीज में क्या होगा। देन एम्प्लॉयमेंट के बारे में डील करेंगे, देन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी जीएस पेपर वन में भी है, टू में भी है, थ्री में भी है, हर जगह पे पॉवर्टी का कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी का कंसेप्ट, उसके बाद में एक्सटर्नल सेक्टर, इसको डील करेंगे हम। देन अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इकोनॉमी का हिस्सा है, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे WTO है एंड IMF है, ये सारे कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से डील करेंगे। देन अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स वी विल बी डीलिंग विद सर्टन सेक्टर स्पेसिफिक इशूज, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को डील करेंगे, देन वुल बी डीलिंग विद एग्रीकल्चर सेक्टर, देन वुल बी डीलिंग विद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रॉब्लम्स क्या क्या है, एंड उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहां पे डिटेल करना था, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर डील करेंगे लेक्चर सीरीज में, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, एंड लास्टली जो भी कुछ छोटा बच जाएगा मिसेलेनियस टॉपिक्स वो सारा भी डील करेंगे इस लेक्चर सीरीज में। हम ऐड करते जाएंगे, कोर 45 टॉपिक्स रहेंगे। पढ़ना कहाँ से आपको, यू शुड बी रीडिंग इट फ्रॉम द नोट्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग अलॉन्ग विद दिस एवरी लेक्चर, नोट्स रहेगा। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द एमसीक्यूज भी इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश करेंगे इस कोर्स के साथ में। नाउ किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो बिगिनर है, चाहे ऑलरेडी वो यूपीएससी में मेंस लिख चुका है, चाहे वो इंटरव्यू तक जा चुका है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इकॉनमी में, ही और शी कैन गेट इन टच विद मी। तो मेरा सेल नंबर है 8459400000, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आई विल ट्राई टू एड्रेस योर प्रॉब्लम्स। कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है, कोई भी इशू आता है ना, ये तो हमारा इकॉनमी का एक बेसिक लेक्चर सीरीज का पार्ट है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हम एक कोर्स चलाते हैं सुपर 50 बैच एवरी ईयर, जहां पे स्टूडेंट्स थ्रू आउट द इंडिया हमारे पास आते हैं। उस कोर्स में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को हर एक सब्जेक्ट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ाया जाता है, 10-12 हजार एमसीक्यू करवाया जाता है, 400-500 आंसर लिखवाया जाता है, एंड हर एक टॉपिक जो यूपीएससी के सिलेबस के अंडर है वो करवाया जाता है, एंड ऑप्शनल भी 3-4 बार करवाते हैं, उसका भी बहुत सारा टेस्ट लेते हैं। ये सब कराने के बाद सिलेक्शन के बहुत करीब आ जाता है कैंडिडेट। आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।